आज दीदी जगह जगह कहती फिर रही है कि वो देश को अपनी पार्टी वाला डेवलपमेंट मॉडल देने वाली है। आखिर क्या है दीदी का डेवलपमेंट मॉडल? साथियों, स्पीड ब्रेकर दीदी का ये मॉडल किस चीज पे आधारित है? ये आधारित है तृणमूल टोलाबाजी टैक्स पर। उनका मॉडल आधारित है कॉल माफिया, बालू माफिया, आयरन माफिया और जमीन माफिया पर। उनका मॉडल है पहले घुसपैठियों को आने का रास्ता दो और फिर पश्चिम बंगाल के संसाधनों में उन्हें लूट का हिस्सा दो। भाई और बहनों, नौजवानों के लिए, उनके लिए भी स्पीड ब्रेकर दीदी ने एक अलग सा डेवलपमेंट मॉडल विकसित किया है। पहले तो यहां नौकरी की दिक्कत, नौकरी मिलती है तो वेतन नहीं मिलता, जिनको वेतन मिलता है उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, वेतन में बढ़ोतरी होती नहीं, जिनकी तनख्वाह कुछ बढ़ती है उन्हें डीए का लाभ नहीं मिलता। ममता दीदी के राज में यही हो रहा है। आप मुझे जवाब देंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे, क्या दीदी वाला ऐसा मॉडल देश को चाहिए क्या? ऐसा मॉडल चाहिए क्या? साथियों, हर दौर में आवाज उठाई है, ये भूमि आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, तो ये शहीद सूर्य सेन की भी भूमि है, ये भूमि स्वामी विवेकानंद की भूमि है, तो शहीद जतेंद्रनाथ दास की भी भूमि है, ये भूमि नजरुल इस्लाम की है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है। आज भी इस प्रदेश के युवक और युवतियों में अनेकों रविन्द्रनाथ, अनेकों नेताजी, अनेकों जतिन दास, उनके भीतर आज भी जिंदा है। विशेष तौर पर वो बेटे बेटी जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, जो इस बार पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। हिंसा, आतंक, घुसपैठ, तस्करी की राजनीति विरासत के साथ वो नहीं रहना चाहते। उनको नया हिंदुस्तान चाहिए, नया पश्चिम बंगाल चाहिए,